स्नेहकुंज में 13वीं स्पेशल एथलीट मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 26 विशेष स्कूलों के 500 से भी ज्यादा बच्चे विभिन्न प्रतियोगिता में शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष चौधरी, प्रबंधक निदेशक आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डॉक्टर विद्या नायर चौधरी, नेत्र विशेषज्ञ आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सुशील बत्रा सीईओ रिलैक्सो फुटवियर, और द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन के महासचिव रोबिन शर्मा, उपाध्यक्ष निधि गुप्ता, मुकेश सिन्हा संपादक द्वारका सिटी एवं सोशलिस्ट एक्टिविस्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित व गुब्बारे उड़ा कर की गई। प्रतियोगिता में विभिन्न खेल जैसे फुल शॉट, बॉल थ्रो, टेनिस बॉल थ्रो, ड्राइंग प्रतियोगिता तथा फैंसी ड्रेस कंपटीशन के अलावा विभिन्न खेलों में बच्चों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। वही सभी प्रतियोगिता को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। वही सभी स्कूलों को मोमेंट से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार द्वारका हरविंदर कौर, सामाजिक कार्यकर्ता सुधा सिन्हा, उषा जलपुरी, मधुमिता विश्वास, पीके चोपड़ा, आईएम खन्ना के अलावा अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष केएन सिंह ने की, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। द्वारका दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। संस्था HCPA स्नेहकुंज होम फर्स्ट प्लास्टिक, हम CP बच्चों को लाइफ केयर, प्रोलॉन्ग केयर, रिस्पाइट केयर फैसिलिटी देते हैं। उसके अलावा जो डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक हैं, MR है, उनको भी अब हमने फैसिलिटी देना शुरू कर दी। हमारा एम क्या है कि हु आफ्टर अस, तो इसके लिए हमने होम बनाया हुआ है। हमारे पास 10 स्पेशल बच्चे, वो 24 घंटे रहते हैं यहाँ। तो सोचा ये है कि हमारे बाद ये बच्चे कहाँ जाएंगे, नॉर्मल को बड़ी दिक्कत होती है, तो इन विकलांगजन जो स्पेशल बच्चे हैं इनका क्या होगा, ये सोच के 1987 में संस्था बनाई गई थी। ये पेरेंट्स द्वारा चलाई जाती है, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है। ये DDA से खुद प्लॉट खरीदा गया था जिसके ऊपर रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है। ये 2009 से हम इन बच्चों के लिए स्पेशल एथलेटिक मीट करते हैं, ताकि नहीं तो कहाँ जाएंगे बच्चे। ये एक उनकी आउटिंग हो जाती है और इन्जॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अंदर भी अवेयरनेस आती है, तो TV तो सारे देखते हैं। तो आज 13वां इवेंट है हमारे पास ये, तो मैं बड़ा फख्र फील करता हूँ इसके लिए कि द्वारका के जो लोकल सोशल एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो है रिलैक्सो देता है, सिंघवी चैरिटेबल ट्रस्ट देता है हमें, ये सिंघवी चैरिटेबल मद्रास की कंपनी है। और आज के दिन आकाश के MD ने हमें 10 व्हीलचेयर बच्चों के लिए और 600 फ्रूट के पैकेट जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए दिए, तो हम बच्चों को फ्रूट भी बांट दिए हमने, और लंच के पैकेट जो सिंघवी और रिलैक्सो ने दिए वो भी बांट दिए। हर बच्चे को सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का देते हैं, और जो फैंसी ड्रेस वगैरह में बच्चे हैं उनको हर एक को मेडल देते हैं, ताकि इनकरेजमेंट हो, ये ना समझें यार हमें किसी ने इग्नोर किया। मेरिट पे सारे तो आ नहीं सकते, बट सबको इनकरेज करने के लिए सबको मेडल देते हैं। आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स डे था जो HCPA ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया था, और इसके फाउंडर हमारे KN सिंह सर हैं, जो कई साल से और स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए कार्यरत हैं। दिन रात यहाँ पर ये जो NGO है, ये कहने के लिए एक सिर्फ NGO नहीं है, यहाँ पर ये एक तरह से पेरेंट का कर्तव्य निभाते हैं ऐसे ऐसे बच्चों का, जिनको संसार बस बहुत ही अलग दृष्टि से देखता है, पर उनको इन्होंने बहुत प्यार से गले लगाया। यहाँ आकर एक बहुत ही अलग एहसास की अनुभूति होती है, और जो आज का कार्यक्रम है इसमें इन बच्चों ने जितने उत्साह के साथ भाग लिया, स्पोर्ट्स डे, आप सोच सकते हैं पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं इसी तरह, ये पैरा स्पोर्ट्स है, उसमें इन लोगों ने, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन भी रखा है, और इसके साथ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, बच्चे अलग अलग तरह की वेशभूषा में आए थे, कोई झांसी की रानी बनी थी, कोई कश्मीर की कली बनी थी, भारत माता, कैप्टन विक्रम बत्रा, एक श्री राम, और हमारे आज के विनर रहे हैं नरेंद्र मोदी जो बने थे उमंग, और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पता था कि उन्हें क्या बोलना है, और ये नहीं कि किसी ने साथ में बुलवाया, ये सबसे बढ़िया बात है, इसका मतलब बच्चों की परवरिश और उनका ध्यान बहुत बढ़िया तरीके से रखा जा रहा है। यहाँ आकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड महसूस कर रही हूँ, और KN सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, इतने बड़े स्तर पर जो
27 स्कूल और 400 बच्चों के साथ उन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत बहुत साधुवाद है उन सभी ट्रेनर्स को, उन सभी साथियों को, सहयोगियों को जो इस कार्यक्रम को इतना बड़ा रूप देने का हिस्सा बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।